बहुत समय पहले की बात है, चुनमुन नाम की एक बुलबुल अपने माता पिता और तीन बहनों के साथ रहती थी। चुनमुन और उसका परिवार मंदिर के पास पेड़ के ऊपर एक घोंसले में रहते थे। मंदिर के पास एक पुराने से मकान में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उन्हें पक्षियों से बहुत ही लगाव था। वो चुनमुन और उसके परिवार के लिए खाने पीने का प्रबंध करती थी। इस वजह से चुनमुन और उसके परिवार को कभी खाने पीने की कमी नहीं रहती थी। चुनमुन अपनी सुरीली आवाज से उस बूढ़ी अम्मा का खूब मनोरंजन करती। उसका परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता ही रहा था। लेकिन अचानक उन्हें खबर मिली कि जो बूढ़ी अम्मा उनके खाने पीने का प्रबंध करती थीं, वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गईं और उनकी मृत्यु हो गई। चुनमुन और उसका पूरा परिवार बूढ़ी अम्मा के खाने पर ही निर्भर था। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। मायूस चुनमुन दबे स्वर में अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, जो हमें दाना पानी देती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब हम क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा पिताजी? अरे मेरी गुड़िया, तू चिंता मत कर, मैं आसपास जाकर देखता हूँ, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उसके पिताजी उसे दिलासा देकर खाने की तलाश में निकल गए। बहुत कोशिश के बाद पिता ने अनाज का दाना इकट्ठा किया और अपने घोंसले में आए। पिता को घोंसले में आता देख चुनमुन और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। अरे पिताजी, आप आ गए, मैं कब से आपकी राह देख रही थी, हम सबको बहुत भूख लग रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अनाज के कुछ दाने ही मेरे हाथ लगे, हम सबको आधा पेट खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। उस दिन चुनमुन और उसके परिवार को आधा पेट खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ा। बूढ़ी अम्मा की मौत के कारण चुनमुन और उसका परिवार दाने दाने को तरसने लगा। एक दिन उस बूढ़ी अम्मा के घर में दूसरा परिवार आकर रहने लगा। उन्हें चिड़ियों की चूंचों से बहुत दिक्कत होने लगी। उस परिवार ने चुनमुन का घोंसला तोड़ दिया। चुनमुन और उसका परिवार अब बेघर हो गए। घर टूटने के कारण चुनमुन के पिता को गहरा सदमा लगा। वो बर्दाश्त न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले तो हम दाने दाने को मोहताज हो गए, फिर हमारा घर छिन गया, अब हमारे सिर से पिता का साया भी छिन गया। चुनमुन को उदास देख उसकी माँ उसे दिलासा देती है। तुम मायूस ना हो मेरी गुड़िया, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जैसे सुख के बादल लंबे समय तक नहीं रहते, वैसे ही दुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता। चुनमुन और उसका परिवार अब नए घर की तलाश में दर दर भटकने लगे। काफी दूर उड़ने के बाद चुनमुन को एक जंगल दिखा। वो जंगल की ओर अपने परिवार के साथ बढ़ने लगी। उस जंगल में चुनमुन को एक विशाल पेड़ दिखा। वो उसी पेड़ में अपना घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगी। आसपास के पक्षियों को चुनमुन का उस पेड़ में रहना पसंद नहीं आया। जंगल के पक्षी उसे और उसके परिवार को परेशान करने लगे। चुनमुन ने उन पक्षियों से निवेदन किया, आप सभी पक्षी मुझे मेरे परिवार को परेशान क्यों कर रहे हो? बहुत मुसीबतों के बाद हमें ये घर मिला, हम यहाँ हंसी खुशी रहना चाहते हैं। आप सभी से गुजारिश है, आप सभी पक्षी मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना बंद कर दीजिए। ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गहरा पक्षी हमारे जंगल में आकर रहने लगेगा? तुम और तुम्हारा परिवार जल्द से जल्द ये जंगल खाली कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आप सबसे विनती है, आप मुझे और मेरे परिवार को इस जंगल में रहने की अनुमति दो, मैं आप सभी का मनोरंजन करूंगी, बहुत ही सुरीला गाती हूँ मैं, आप मुझे बस एक मौका दीजिए। जंगल के अन्य पक्षियों ने चुनमुन को एक मौका दिया और उसे गाने के लिए कहा। चुनमुन ने जैसे ही गाना शुरू किया, जंगल के सभी पक्षी उसकी आवाज सुनकर मोहित हो गए। उसने अपनी सुरीली आवाज से सभी पक्षियों का दिल जीत लिया। सभी पक्षियों ने चुनमुन और उसके परिवार को जंगल में रहने की अनुमति दी और साथ ही साथ वे चुनमुन को अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने में मदद करने लगे। इस प्रकार से सुरीली चुनमुन और उसका परिवार अन्य पक्षियों के साथ जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। मुनिया के घोंसले में जैसे ही सूरज की रोशनी आई, मुनिया ने अंगड़ाई लेकर कुछ दाने अपने बच्चों को खिलाने लगी और उसने एक दाना भी नहीं खाया। एक माँ खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा कभी नहीं रखना चाहती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुमने कुछ दाने खा लिए हैं, तुम्हारे पेट की भूख शांत हो गई है। मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ,
कुछ देर के बाद कुछ नया खाना लेकर आना चाहती हूँ और तुम्हें प्यार से खिलाना चाहती हूँ। इतना कहकर चिड़िया मुनिया फुर से उड़ गई और बच्चे आपस में खेलने लगे। मुनिया को एक लहराता हुआ धान का खेत नजर आया। उसके मुंह में पानी आ गया। वह मन में सोचने लगी कि इसके दानों में अभी मिठास होगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी तो वह खुश हो जाएंगे। कुछ तोते भी पेट पूजा में लगे हुए थे। मुनिया ने जल्दी जल्दी कुछ दाने खाए तो उसे भूख से राहत मिली। उसके बाद उसने अपने बच्चों के लिए कुछ दाने इकट्ठे किए और जैसे ही उड़ने जा रही थी, एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक भयानक अजगर ने अचानक बड़ा मुंह करके झपट कर उसे दबोच लिया। बेचारी छोटी मुनिया बहुत असहाय हो गई और बदकिस्मती से भयानक अजगर का शिकार बन गई। वहां घोंसले में मुनिया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कुछ भूख भी लग गई थी। वे चींची कर रहे थे। उनकी आवाज पेड़ के पास जाती हुई एक लड़की गुड़िया के कानों में पड़ गई। उसने पहले सोचा कि चिड़िया के बच्चे हैं, उनका काम ही शोर मचाना है। मुनिया के बच्चों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ अब कभी घोंसले में लौटकर नहीं आएगी। वे शोर मचाए जा रहे थे। न जाने क्यों उनकी आवाज ने गुड़िया को आगे बढ़ने से रोक दिया। गुड़िया ने ऊपर घोंसले पर नजर डाली तो उसने देखा कि एक बच्चा भूख से परेशान होकर बाहर निकल रहा था। वह समझ गई कि अगर ये बाहर निकला तो नीचे गिरकर मर जाएगा। उसने झट से पास के खेत की फसल का दाना लिया और तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। गुड़िया ने दोनों ही बच्चों को दाने खिलाने शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद जब दोनों बच्चों की भूख शांत हो गई, तो वे चुप हो गए। बच्चे को बचाने की जल्दबाजी में गुड़िया जख्मी हो गई थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि एक बच्चे को उसने मरने से बचा लिया और दोनों को दाना खिला दिया। गुड़िया को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि उसने आज दो अनाथ बच्चों को खाना खिलाने का पुण्य कार्य किया है। गुड़िया ने ध्यान से देखा तो मुनिया के दोनों प्यारे बच्चे उसे बड़े अपनेपन से देख रहे थे। गुड़िया ने भी उन्हें प्यार किया और पेड़ से उतरकर घर की तरफ चल पड़ी। गुड़िया ने घर पहुंचकर मुनिया चिड़िया के बच्चों के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ, एक मुनिया का बच्चा तो भूख से परेशान होकर बाहर ही गिरने वाला था। मैंने उसे बचाया और दाना भी खिलाया, दूसरे बच्चे को भी खिलाया। दोनों बड़े प्यारे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया बिटिया। एक बात है, उन बच्चों के चक्कर में तुम्हें भी चोट आ गई है। माँ, ये मामूली चोट है, चलो मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाती हूँ। गुड़िया माँ को लेकर पेड़ के पास पहुँची तो दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कुछ देर तक माँ और बेटी उनके घोंसले को देख रहे थे। माँ ने अंदाजा लगा लिया। गुड़िया, मैं समझ गई कि ये बच्चे बेसहारा हैं। इनकी माँ नहीं है। जब तुम उनके पास गई थी तब भी इनकी माँ पास नहीं आई, अब तक वो आई भी नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चों से इतनी देर तक दूर नहीं रहना चाहती। ये दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, अब तो इन्हें संभालना ही होगा। हाँ माँ, अब हम दोनों इनको संभालेंगे। धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे और फिर अपने आप उड़ना और जीना सीख जाएंगे। उस दिन से गुड़िया अपनी माँ के निर्देशन में दोनों मुनिया के बच्चों को संभालने लगी। उन्हें दाना खिलाती और घोंसले की सफाई भी करती। गुड़िया अक्सर पेड़ के आसपास ही रहती थी। एक दिन गुड़िया ने एक सांप को मुनिया के घोंसले के पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। वह समझ गई कि दोनों बच्चों की जान खतरे में है। वो डंडा लेकर पेड़ पर चढ़ गई और सांप को मार कर भगा दिया। अब बच्चे बड़े होने लगे थे। गुड़िया को देखकर वे उड़ आते और उसके कंधे पर बैठ जाते। अब वे सब कुछ जानने समझने लगे थे। गुड़िया का प्यार उन बच्चों के साथ उसी तरह से बढ़ता रहा। वह उनके साथ हमेशा खेलती रहती थी। एक दिन गुड़िया पेड़ के पास खड़ी थी और वही भयानक सांप आ गया। वह गुड़िया को डसने ही जा रहा था कि अचानक मुनिया के बच्चे ने सांप के सर पर जोर से चोंच मार दी। दूसरे बच्चे ने भी वही किया
और गुड़िया को बचा लिया। सांप दोहरी मार खाकर चकरा गया और भाग गया। आज मुनिया के दोनों प्यारे बच्चों ने गुड़िया को बचाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे मेरे प्यारे बबलू और डब्लू, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे बचाकर सांप को भगा दिया। गुड़िया दीदी, आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे और हमेशा आपको बचा लेंगे। हमारी सबसे प्यारी दीदी गुड़िया, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। दोनों बच्चे अपनी गुड़िया दीदी से प्यार करने लगे और गुड़िया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी प्यार का उत्तर प्यार से ही दे दिया।